हेलो माई ब्यूटीफुल सोल्स वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल अंशिका की दुनिया एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट सो अभी तो फ़िलहाल एज यू कैन सी मौसम कितना सुहाना हो रखा है और एज़ वेल well एज मम्मा ने यहाँ पे मेरे को मेरा ब्रेकफेस्ट भी दे दिया था तो बस मैंने उसको इंजॉय किया एंड एज यू कैन सी दिस एक्चुअली ना आई लव घुनी एंड रोटी सो so बस इसको जल्दी से खाने इस के बाद खाने से मौसम में फिर मैं बैठ गई थी पढ़ने क्योंकि मेरा ना इस टाइप के मौसम में पढ़ने का बहुत ज़्यादा मन करता है सो so बस फिर मैंने लगाया टाइमर एक घंटे का एंड आई स्टार्ट स्टडिंग बायो एंड फिज़िक्स मतलब साइंस के hello, तो फिर ना मेरा बायो का ना थोड़ा सा नोट्स कम्प्लीट नहीं था और फ़िज़िक्स का भी जितना पापा ने पढ़ाया था उतना नोट्स कम्प्लीट नहीं था तो वैसे मैं एक और चीज़ बता दूँ कि ये क्लिपिंग ना मेरे स्कूल खुलने से एक हफ्ते पहले की है, तो या और आप लोग ना बहुत सारे मेरे मैं बीच में ब्लॉग्स नहीं डाल रही थी तो आप लोग उसको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे थे आई नो गाइज आप लोग ने कमेंट भी किया एंड आई वॉज नॉट मतलब मैं भी अच्छा फील नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे को टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था ब्लॉग्स अपलोड करने का बट uh, अब मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगी कि मैं डेली डेली ब्लॉग्स डालूँ और शॉर्ट्स वीडियो में भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट जरूर करूंगी सो so, ये देखो यहाँ पे मैंने एक पेज छोड़ रखा था ताकि मैं आगे का नोट्स दोबारा कंप्लीट कर पाऊँ तो तो बस फिर मैंने इसके लिए जगह छोड़ी एंड बाकी का चैप्टर मेरा खत्म था so I'm just doing it now, so let's start. और सॉरी गई मैंने टाइमर एक घंटे का नहीं दो घंटे का लगाया था और दो घंटे भाई लगातार बैठ के पढ़ना है इसलिए मैंने कुछ मंचिंग टनचिंग के लिए भी अपने साथ रख लिया था लॉटरी चकअप वाई एंड सम बिस्किट्स तो जब भी आप लोग पढ़ने बैठो ना एक पानी की बॉटल और कुछ ना कुछ मंच के लिए ले ही लिया करो क्योंकि बार बार फिर उठना बैठना इससे इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है तो बस अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं सारा राइटिंग पार्ट तो मैंने सारा राइटिंग पार्ट ऑल ऑलरेडी कर लिया था बस एक और टॉपिक बचा था उसको फिर मैंने कम्प्लीट किया डैट वॉज सीड्स तो वो सब जल्दी जल्दी मैं कर रही थी तो आई थिंक सो मैंने आप लोगों को ये चीज़ अभी बता दी होगी कि ये ना ब्लॉग ना जो जिस बेसिस में मैं बना रही हूँ ना वो एक्चुअली ना वन वीक का है नहीं वन वीक का तो नहीं है फ़ोर टू फाइव डेज़ का है जिसमें ना मैंने एक एक चीज़ आप को दिखाई है पूरे आ, मतलब एक फाइव फाइव डेज़ में मतलब मैंने क्या क्या स्टडी की और क्या क्या कैसे कैसे किया तो बस उसके छोटे छोटे क्यूट क्यूट क्लिपिंग्स हैं तो बस फिर ना यहाँ पे यहाँ पे मैंने अपना सीड्स के टॉपिक पे लिख लिया था और अब मेरे को ना सीड्स का थोड़ा सा ड्राॅइंग्स बनाना था तो बस मैंने वही उसको बनाया और ये देखो चिड़िया का बर्ड चिड़िया का अरे क्या वर्ड ट्वेंटी फोर मैथ ओवर एंड एज यू कैन सी दिसे मैं ना अपने फिजिक्स के नए वाले चैप्टर पर हूँ दैट इज़ क्लिनिंग ऑफ फूड एंड या ये मैंने उस दिन शुरू किया था बट uh, आज नहीं है बहुत पहले का शुरू किया हुआ है सो एज यू कैन सी दिस अभी मैं जस्टिस का नोट्स बना रही हूँ और आज का हमारा ये सब है आज हमें फिजिक्स का नोट्स बनाना है जोग्राफी का नोट्स बनाना है बायो का नोट्स कम्प्लीट करना है इंग्लिश ग्रामर का नोट्स बनाना है एंड मैथ्स करना है वे वे बेस्ट कि हम लोग सारी चीज़ें एक बार में कंप्लीट कर पाएँ सो so, आप लोग बाहर का मौसम भी देख सकते हो और इस मौसम में ना स्पेशली पढ़ने का बहुत ज़्यादा मन करता है इसलिए आज मैं खाना खाने के बाद तुरंत बैठ गई थी पढ़ने सो लेट्स स्टडी मैंने ना ये पूरा करके जितना पापा ने मुझे पढ़ाया था वहाँ तक पूरा अपने नोट्स को कंप्लीट कर दिया एंड ये वाला मैंने यहाँ से सॉरी यहाँ से ये ये एंड ये पूरा मैंने किया अभी भी हम लोग के दो से तो अभी भी हम लोग के ना एक दो तीन तीन सब्जेक्ट्स और बाकी हैं सो वी जस्ट हैव टू कम्प्लीट इट और ये मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया है उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं अभी द टाइम इज़ अबाउट वन टू मतलब मैंने अभी दो घंटे प्रॉपरली प्रोबेबली स्टडी की है साइंस एंड साइंस में मैंने एक बार बायो किया और एक बार फिजिक्स तो so, दोनों के नोट्स इज कम्प्लीट एंड नॉट कम्प्लीट मतलब फिजिक्स का कम्प्लीट नहीं है एंड फिर गई मैं छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बच्ची हूँ मतलब सोच रहा हूँ मैं दो घंटे लगातार पढ़ ली और उसके बाद मैं थक गई और इसलिए मैं उसके बाद ना भाई मैंने बुक्स कॉपी उठा के रख दी और तो फिर मैं गई बाहर का और... मौसम देखने और बाहर का मौसम देख लो मैंने दिखाया था तो कितना सुंदर हो रहा था और अभी पूरी धूप निकल गई है गई इतनी गंदी सी धूप तो आपने सुबह का मौसम देखा होगा और अभी अभी कंपेयर करो कितना गंदा सा मौसम हो गया कि इस धूप देन फिर इट वॉज माई लंच टाइम गाइस तो यहाँ पे ना पापा आ चुके थे ऑफिस से तो फिर हमने एक साथ बैठ के लंच किया और ना मेरे को घुगनी के साथ रोटी ही अच्छी लगती है इसलिए मैंने मम्मा को ना पहले ही बोल दिया था कि आप ना मेरे लिए रोटी बना लेना और आपने लिए चावल हाँ। बना लेना फीलिंग बताओ मम्मी कहा खाना आपको कैसा लग रहा है सो देन दिस इज़ डे टू की क्लिपिंग है गाइज ये तो डे टू में ना गाइज़ एक दिन मतलब लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कभी लाइट रह रही थी कभी नहीं रह रही थी तो मेरा ना फ्रैक्शन करने का ये बिल्कुल मन नहीं कर रहा था तो यहाँ पे मैंने कर ली थोड़ी सी मस्ती एंड उसके बाद चलो अब थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लेते हैं तो फिर ना मैंने यहाँ पर जितना भी मैंने कल किया था ना उन सब चीज़ों को रिवाइज़ किया और फिर मैंने बुक और कॉपी रख के थोड़ी सी और मस्ती की और वैसे तो यार मैं सही में मैं शूट नहीं कर पा रही थी क्योंकि ना लाइट रह नहीं रही थी और ऊपर से ना हो क्या क्या रहता कि मन भी नहीं कर रहा था ब्लॉगिंग करने का क्योंकि गर्मी की वजह से ना इस बहुत इरीटेशन और फ्रस्ट्रेशन हो रहा था मेरे को बट स्टिल ब्लॉगिंग का इंटरेस्ट है मेरे अंदर इसलिए मैंने छोटी छोटी क्लिपिंग ली और बीच बीच में मैं भूल भी जा रही थी इसलिए डोंट माइंड इट सो so, या yeah, एक हफ्ते से हमारा कुछ ऐसा ही चल रहा था मेरे साथ तो देखो यार कितनी गर्मी थी और कितनी मैंने उस उस समय तक मैंने पढ़ाई किया तो अभी इतना ही नहीं है गाइज मैंने फिर उतना जितना सब जितना मैंने नोट्स बनाया था ना साइंस में उन सब को मैंने रिवाइज किया टोटली फ्रॉम इनसाइड से लेकर बुक के अंदर से लेकर अपने कॉपी कॉपी के अंदर से लेकर सबसे मैंने अच्छे से रिवाइज़ किया ताकि जब स्कूल खुले तो मेरे को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम ना हो और फिर यहाँ पे ये हमारा ना ये दूसरा वाला चैप्टर आ गया था बायो का तो फिर ना बस इसको करने के बाद फिर चलो थोड़ा सा राशन पानी देख लेते हैं तो इनमें से मेरी काम की चीज़ ये ओरियो है ये सेवई है और ऑब्वियसली मेरे को डेट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है इसलिए डेट्स भी दे लो और ऑब्वियसली कहीं कॉफ़ी कौन नहीं पीता है मेरी तो फेवरेट है कॉफ़ी वैसे आप लोग मेरे को जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो आप लोग कॉफ़ी लवर हो या फिर टी लवर और यहाँ पे देख लो कहीं सच में लाइट नहीं थी और फिर यहाँ पर ना फिर मैंने थोड़ा सा कुछ कुछ बिस्किट को पानी में डुबा खाया क्योंकि ना पाले जी और कोई भी रैंडम बिस्किट को पानी में डुबा के खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मेरे को तो फिर ना फिर ये क्लिपिंग अगले दिन की है नेक्स्ट डे तो यहाँ पर फिर मैंने ना मम्मा ने टेस्ट पेपर बना के दिया था तो, तो बस मैं मैंने सॉल्व किया एंड यहाँ पे ना गए गलती से मैंने टाइमर लगाया और टाइमर वर ऑन करने भूल गई फिर मम्मा ने बाद में टाइमर ऑन किया तो आप लोग भी ना अपने पेरेंट्स से ऐसे क्वेश्चन पेपर बनवा के रख सकते हो ताकि ना आप लोग को ना प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा ईजी होगा स्पेशली मैथ्स क्योंकि मैथ्स ना डेली किया करो यार क्योंकि मैथ्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट तो फिर ना यहाँ पे अगेन डेट खेल रही है ये तो फिर लिए फिर मूवी मेरे भाई की दुल्हन एंड विच एंजॉइंग खुद से प्रिपेयर किया है मूवी चेंज कर दी है तो अभी मैं देख रही हूँ क्रश्ड एंड आई डोंट नो कैसी है तो नहीं रुके अगर आपने मूवी देखी है तो लेट मी नो इन दी कॉमेंट बॉक्स सो या लेट मी एंजॉय मूवी देखने के बाद मैं बैठ गई थी पढ़ने एज यू कैन सी दिस एंड वैसे गाइज आप लोग मेरे को जल्दी से बता दो आप लोग सोच रहे होंगे भाई मैंने पूरे हफ्ते पढ़ाई की है तो बताओ ना कि मैं क्या करती बाहर इतनी गर्मी है कहीं जाना नहीं है दिन भर सो नहीं सकते इसलिए मैंने पढ़ ही लिया एक्चुअली हाँ, तो ये वाली जो क्लिपिंग है ना वो मेरे स्कूल खुलने से एक दिन पहले की है तो मैंने सोचा अब मैं जितना कुछ भी पढ़ा है ना तो वो सब कुछ मैं रिवाइज कर लेती हूँ एकदम अच्छे से एकदम कंठस्थ तरीके से ताकि एकदम अच्छे से जब मैम कोई भी क्वेश्चन पूछे मैम या सर कोई भी क्वेश्चन पूछे क्लास में तो फिर मेरे को आराम से इसका आंसर आ जाए दैट्स वाई और फिर ना बस Uh, उसको करने के बाद मैंने अपने सारे असाइनमेंट्स चेक किए थे और देन आई हैव जस्ट मतलब सब कुछ मैंने कर लिया और फिर रात में मैसेज आता है गाइस कि गर्मियों क्यों गर्मियों के वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इसलिए छुट्टी पोस्टपोन हो गई हमारी अब इतना गिल्टी फील हो रहा था ना इसमें क्या बताऊँ यार मैंने सब कुछ कर लिया मैं इतनी एक्साइटेड थी डांस क्लासे जब मैं आई तो पापा ने बोला तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है बोले क्या यार पापा परजीत सिंह के कॉन्सर्ट में ले जा रहे हो क्या मेरे को पापा बोले कुछ भी कुछ भी तो फिर पापा ने फिर बताया तो मैंने मैं इतनी जोर से रोई ना यार भक्त तेरी के मेरे को नहीं चाहिए था मेरे को चाहिए था स्कूल जल्दी खुल जाए क्योंकि घर में रह रहकर मेरा दिमाग खराब हो गया है गाइस मैं लिटरली बता रही हूँ तो फिर यहाँ पे फिर हम लोग लाइट नहीं थी घर पे इसलिए मैं आ गई दादी के घर और वहाँ पे मैंने ऑब्वियसली आइसक्रीम खाई विथ सींग मूवी हंगामा टू बहुत सही मूवी आप लोग भी देख सकते हो तो आई होप आप लोगों ने ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी क्लिपिंग मतलब स्टडी ब्लॉग आप लोगों को एक हफ्ते का पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बाय सब्सक्राइब कर दो यार वी आर वेरी नियर